तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो इन बच्चों के साथ होगा और आज हम पूरी गार्डन घूमेंगे, गार्डन की एक एक चीज आपको बताएंगे। तो आप लोग बताओगे गार्डन में क्या क्या है? यस, तो चलो शुरू करेंगे। तो भाइयों, जैसे कि इस ब्लॉग में कोई कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और गार्डन के हर एक चीज बताएंगे आपको। तो ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे बच्चे हैं और ये गार्डन है जहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे थे, ये सामने वर्कआउट कर रहे थे और ये पीछे भी, यहाँ पे भी कभी कभी हम वर्कआउट करते हैं, जो पीछे आपको दिख रहा है। और ये जो सामने, ये क्या बता दे छोटू, बोला तो सर्कल है, इसके अंदर इसके अंदर क्या? पेड़ है, हाँ हाँ तो इसके अंदर पेड़ है भाई बहुत सारे, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये पूरा राउंड मारेंगे अभी हम लोग, देखो गार्डन कितना सुंदर है। तो भाई गार्डन बहुत सुंदर है और ये मेरे पीछे का व्यू देख लो आप, ये पीछे बिल्डिंग काफी सुंदर बिल्डिंग है, ये देखो ये पीछे, अरे बाप रे। गया। तो भाई कैमरा टेढ़ा हो गया था। तो ये मेरे पीछे बिल्डिंग है और ये सारे बच्चे हैं, जो अभी हम लोग आपको पूरा गार्डन दिखाएंगे, पूरा गार्डन स्टेप बाय स्टेप। चलो अभी यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम लोगों को कुछ बोलना है क्या? इसको बोलना ये देखो, ये मेरे पीछे, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं। तो ये गार्डन वैसे बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ से यहाँ पे आप नेचर से पूरा कनेक्ट हो जाते हो। ये मेरे पीछे आप देख लो, मस्त बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। वैसे ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, तो आप लोग ये मत समझना कि मेरी बिल्डिंग है। और ये रहा गार्डन जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं बहुत सारे। ये आता है वर्ली में, दादर से थोड़ा आगे है वर्ली, वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है, यहाँ पे पेड़ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आप नेचर का पूरा आनंद ले सकते हो। मुझे लगता है ना कि पूरे मुंबई में इतना सुंदर गार्डन कहीं पे नहीं है। हाँ, फन एंड तौसीफ शेख डालेगा तो आ जाएगा। तो भाई हाँ, तौसीफ शेख या फिर डिवाइन सोल योगा डालेगा तो भी आ जाएगा, फन एंड फिटनेस। तो भाई बारिश भी आने वाली है, अभी हमारे लाइफ को रोकना पड़ेगा, कहाँ छुपेंगे हम लोग? ओ गॉड। तो भाई देखो, जैसे कि कभी कभी बारिश भी आ जाती है तो अभी हमें गार्डन में, अरे ओ भाई साहब, तो देखो बहुत ही खतरनाक बारिश आ गई है और हमें फाइनली यहाँ पे रुकना पड़ा। तो ये सेफ्टी वाली जगह है, देख लो, ये सेफ वाली जगह है भाई, कभी भी बारिश आए तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। ये कैमरा घूम रहा है, ये पीछे बारिश हो रही है, देख लो भाई, दिन में भी बारिश हो रही है। अच्छा हुआ अपन ने वर्कआउट, अच्छा हुआ हम लोगों ने वर्कआउट खत्म कर दिया आधे घंटे में। अगर 1 घंटा वर्कआउट करते तो भाई पूरे भीग जाते थे, और मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा है तो मुझे भीगना पसंद नहीं है। तो फिलहाल थोड़ी सी बारिश के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करेंगे और थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड व्यू दिखा देता हूँ। तो ये रहा बैकग्राउंड भाई साहब, बहुत सुंदर है। ये बच्चा, ये अपने सब दोस्त लोग हैं जो खेल रहे थे गार्डन में, अभी बारिश के वजह से सब छुपे हुए हैं। और ये देख सकते हो आप बारिश, ये चाचा भी छुपे हुए गार्डन में। तो वही है भाई, बारिश होती है तो कोई जगह नहीं यहाँ पे ऐसे छुपने की, तो हमें यहाँ पे छुपना पड़ता है इसके नीचे, और ये झूले वेले सब खाली हो चुके हैं। तो भाई बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है, ये देखो बहुत खतरनाक बारिश है। अगर ये नहीं होता तो हम शायद आज भीग जाते थे। इसकी वजह से हम बच गए, ये देख सकते हो आप भाई, इतनी गहरी बारिश, इतनी तगड़ी बारिश। फाइनली यहाँ की बारिश रुक चुकी है और मुझे ब्लॉग को अधूरा करना पड़ा, बट कोई बात नहीं है, बारिश गई, अभी मैं जाऊंगा अपने क्लास को। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो वर्ल्ड टावर, ये पीछे देख लो आप, वर्ल्ड टावर है भाई, ये दुनिया का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा टावर, बहुत ही सुंदर टावर है, ये देख सकते हो आप पीछे। तो ये भाई अभी वर्कआउट किया, यूट्यूब पे लाइव आया था, अभी मैं जा रहा हूँ क्लास को। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ी बातें करते हुए जाऊँगा और ये पूरा गीला हो चुका है, मतलब वही है कि 5 मिनट के लिए भी बारिश नहीं आया होगा, बट 5 मिनट में पूरे गार्डन गीले हो चुके हैं। तो हमारे अच्छा हुआ कि हमने आधा घंटा वर्कआउट किया था, 1 घंटा अगर वर्कआउट करते तो भाई क्या ही बोल सकते थे, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाते। तो अभी फ़िलहाल एक क्लास कैंसिल हो चुका है 7:30 का, अभी 6 से 7 का एक क्लास है, वो देने जाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, ये देख सकते हो मेरे पीछे बिल्डिंग, वर्ल्ड टावर भी है भाई, बहुत सुंदर है यहाँ का।
बहुत संभाल के चलना पड़ता है, अगर बाय चांस मैं गिरा मेरी पैंट बच जाएगी। तो ये हम गार्डन से एक्सिट मार रहे हैं, ये जाएंगे गार्डन से बाहर। और ये सामने खड़ी है मेरी बाइक, ये जो ग्रीन कलर की थी। यहाँ से मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगा, क्योंकि चाय पीऊँगा तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। चाय पीने के बाद ये जस्ट हम बाहर निकल चुके हैं, अपने गार्डन से बाहर निकल चुके हैं भाई।